हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मोशन। तो आज हम लोग मोशन से रिलेटेड चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है, मोशन और रेस्ट क्या होता है, और मोशन रिलेटिव है इस बात का क्या मतलब है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करे, जैसे कि ये हमें गिवन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको मोशन में कहेंगे। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग के हिसाब से, तब हम उसे मोशन में कह देते हैं, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट, मोशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उसे मोशन में कहेंगे। जैसे कि हमें एक कार दिख रही है, कार अभी रुका हुआ था लेकिन ये फिर चलने लगा, तो इसे ही हम मोशन पर कहेंगे। The position of car is changing with respect to surrounding. जो कार है उसकी position with respect to surrounding change हो रही है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इसलिए हम उसे motion में कहेंगे। इसलिए हम उसे किस में कहेंगे, motion में कहेंगे। motion का मतलब क्या होता है कि अगर एक object अपनी position को with respect to surrounding change करेगा, तो हम उसको फिर क्या कह देंगे, हम उसको motion में कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्लॉक को डिस्कस करें, क्लॉक की पोजीशन, जो क्लॉक की नीडल होती है वो भी चेंज हो रही है बार बार, तो इसलिए हम उसे भी मोशन में कहेंगे। ये झरना भी मोशन में है। जो हमारी अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसे भी हम मोशन में कह देते हैं। ये सब हमारे मोशन के एग्जांपल्स हैं। मोशन का ऑपोजिट टर्म होता है रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब होगा, रेस्ट का मतलब होगा अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज ना करे, जैसे कि सिग्नल अपनी पोजीशन पर है या कार अपनी पोजीशन पे ही खड़ी हुई है, तो हम उसे रेस्ट पे कह देंगे। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं कर पाती है, तो हम उसको फिर रेस्ट पे कह देते हैं। लेकिन ये जो मोशन और रेस्ट टर्म्स है ना, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव। हम एक दूसरे से कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर एक ऑब्जेक्ट मोशन पर है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम ही हैं, हम अभी क्या हैं, अभी हम मोशन पर भी हैं और रेस्ट पर भी हैं। कैसे, क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है और हम अर्थ में कहीं पर हैं। अगर हमें कोई मून से देखे, जैसे अगर मान लो ये कोई मून पर गया है और मून पर हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो मून से जब हमें कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसे हम मूव करते हुए नज़र आएंगे। हम ऐसे ऐसे भी मूव कर रहे होंगे और ऐसे ऐसे भी, रिवॉल्व और रोटेशन हम दोनों कर रहे होंगे, और उसको तो लगेगा कि भैया कैसे ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इनको तो चक्कर आ जाता होगा, क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो अगर हमें कोई किसी और प्लैनेट से देखे, कोई हमें ट्विटर से देखे, तो हम मोशन पर नज़र आएंगे, लेकिन वैसे तो हम रुके हुए हैं, तो हम रेस्ट पर हैं। तो एक ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन पर भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट उसी टाइम पर रेस्ट पर भी हो और उसी टाइम पर मोशन पर भी हो। इसका एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग किसी बस में बैठे हैं। बस में बैठने पर हम अगर हम बाकी पैसेंजर्स को देखें, तो हमें क्या लगेगा कि हम तो रुके हुए हैं, है ना, मतलब बस चल रही है, लेकिन हम अगर बाकी पैसेंजर्स को देखें तो हमें लगेगा हम रुके हुए हैं। और जब हम बाहर देखेंगे तो बाहर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम चल रहे हैं, रादर हमें ये लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो पीछे जा रहा है। ऐसा लगता है ना कि जब हम बस में आगे जा रहे होते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे जा रहा है, हमें ऐसा लगने लगता है। मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं, हम अपने आप को रेस्ट पे, मतलब हम अपने आप को किस पे कंसिडर करते हैं, रेस्ट पे, और वो जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम मोशन पर कंसिडर करते हैं।
मतलब कि इस बात का ये मतलब है, अगर हमें कोई बाहर से देख रहा है तो उसे हम चलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम बस के पैसेंजर्स को देखें या कंडक्टर को देखें तो हम रेस्ट पर, हमें अपने आप को रेस्ट पर फील होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो सकता है, मोशन पर भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली मतलब साथ में। ऐसा भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट उसी टाइम पर रेस्ट पर भी हो और उसी टाइम पर मोशन पर भी हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो मोशन है ना, ये रिलेटिव टर्म है, ये कंपैरेटिव है। हम एक से कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि हम रेस्ट पर हैं या मोशन पर हैं। अगर मुझे बताना है कि मैं मोशन पर हूँ या रेस्ट पर हूँ, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताऊँगी कि इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं रेस्ट पर हूँ और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं मोशन पर हूँ। और जिस ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं ना, उसे ही हम एक नाम दे देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम धीरे धीरे ये बातें डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे कंपेयर करके हम बताते हैं कि हम रेस्ट पर हैं या हम मोशन पर हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इस डोर के हिसाब से रेस्ट पर हूँ, तो ये डोर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स। अभी इस बात को और डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। अब कोई एक हमारा ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑब्वियसली हमारे हिसाब से किस पर है, हमारे हिसाब से तो ये रेस्ट पर है, लेकिन कोई एलियन इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये मूव कर रहा है ना, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी तो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट उसी टाइम पर रेस्ट पर भी हो सकता है और उसी टाइम पर मोशन पर भी हो सकता है। तो इतना तो मैं समझ में आ गया कि जो मोशन टर्म है ये कैसी है। तो मोशन टर्म रिलेटिव है। मोशन टर्म कैसी टर्म है? मोशन टर्म एक रिलेटिव टर्म है। मोशन पर हम कब कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करता है तो हम उसे मोशन पे कह देते हैं, ठीक है। और अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे या तो रेस्ट कहते हैं, रेस्ट, या फिर हम एक नाम और यूज़ करते हैं, स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी क्या होता है? रेस्ट ही होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम उसे फिर स्टेशनरी कहेंगे या फिर कहेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर हमसे कोई कहे डिफाइन मोशन, डिफाइन मोशन क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और कोई कहे डिफाइन रेस्ट, तो व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और मोशन इज रिलेटिव, इस बात का क्या मतलब है कि मोशन जो है वो हम किसी से कंपेयर करके बताते हैं। कि रिलेटिव का मतलब तो हम समझ गए ना, रिलेटिव मतलब कंपेरेटिव है ना, कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मेरी बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो एक्सपेंसिव होना भी एक रिलेटिव टर्म है। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है तो तुमको नहीं आइडिया होगा कि वो कितने का है ना। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे हिसाब से एक्सपेंसिव हो, मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव ना हो, या वाइस वर्सा, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये टर्म्स, कुछ टर्म्स क्या होती है? रिलेटिव, मतलब हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ इससे महंगी है तो जाकर हमको आइडिया होगा कि वो चीज़ है कितने की। ये चीज़ 5,000 से महंगी है तो मैं आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये इतने की होगी, है ना। तो मतलब मोशन और रेस्ट भी क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। इनका तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक हम इसे किसी से कंपेयर करके ना बताएं, है ना। मोशन अकेले, मोशन और रेस्ट, ऐसा बोलते भी है कि मोशन और रेस्ट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? कि हम इसे कंपेयर करके ही बता सकते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट मोशन पर है या रेस्ट पर है, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें। हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके हिसाब से हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से रेस्ट पर है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या फैन इज एट रेस्ट, तो क्या यह बात अधूरी है? हाँ, ये बात अधूरी है। हमें ये बताना चाहिए कि फैन जो है वो किसके हिसाब से रेस्ट पे है। लेकिन नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि हमारे जो भी आसपास सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग वो रेस्ट पर है और उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे आसपास जो भी है सब रुका हुआ है और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन मोशन और रेस्ट, ये जो टर्म्स होती हैं, कभी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। एब्सोल्यूट समझ गए ना, इन्हें किसी कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है कि इसके हिसाब से रेस्ट पे या इसके हिसाब से मोशन पर। चलो जी, इतना तो हमको समझ में आता है।
ये मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन आ गई है। उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो हमें समझ में आ गया, मोशन ही दो तरीके का होता है, या तो यूनिफॉर्म मोशन होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर एक ऑब्जेक्ट सेम ही डिस्टेंस चलता रहे सेम टाइम में तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसने डिसाइड कर रखा है कि हर सेकेंड में 2 मीटर ही चलेगा, मतलब उसकी एक तरीके से स्पीड कॉन्स्टेंट है ना, ना वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ना स्पीड कम कर रहा है, सेम ही स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। If object covers equal displacements या equal distances in equal intervals of time, तो हम उसे क्या कहेंगे, uniform motion कहेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले कुछ time में तो उसकी speed बहुत तेज़ थी फिर धीरे हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। Object क्या चल रहा है, object अपनी same speed से चल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी सेम स्पीड से चल रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट अपनी सेम स्पीड से चले, इसका क्या एग्जाम्पल पॉसिबल है, तो एक इसका एग्जाम्पल मैं तुमको बता देती हूँ। जो हमारी अर्थ है वो यूनिफॉर्म मोशन करती है, अर्थ तो सेम ही स्पीड से बढ़ती रहती है ना। क्लॉक जो घड़ी है वो भी सेम स्पीड से ही आगे चलती है, ऐसा नहीं है कि पहले पहले तेज़ चली फिर धीरे चली, सेम ही है ना, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर हम कोई व्हीकल भी चला रहे हैं, कार चला रहे हो, तो कार क्या है, कार भी यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है अगर हम ना उसमें एक्सेलरेटर दबाएं और ना ही ब्रेक दबाएं, ना हम उसे उसकी स्पीड बढ़ाएं ना घटाएं, ना हमें उसे एक्सेलरेट करना है और ना ही हमें उसे क्या करना है, रिटार्ड करना है, ब्रेक अप्लाई करना है, तब वो जो कार है वो अपनी सेम स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी और इसको फिर हम यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ना कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन ये दो तरीके के हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड चेंज करता रहेगा, है ना। याद रखना यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है, है ना। एक्सेलरेशन होता है कितना स्पीड चेंज कर रहे हो पर यूनिट टाइम। अब ऑब्जेक्ट सेम ही स्पीड से चलेगा तो स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है ना, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन फिर हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ाया घटा नहीं रहा है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि ट्रैफिक में अगर फंस जाओ तो ट्रैफिक में कभी तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कभी स्पीड कम करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी सेम स्पीड से जा रहे हैं तो इसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ट्रेन क्या करती है, जब वो अराइव कर रही है या लीव कर रही है, याद रखना जब वो अराइव कर रही है या लीव कर रही है, जब उनने जस्ट शुरू करा है या वो रुक रही है तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि जब वो शुरू कर रही है, सोचो ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जब ट्रेन स्टार्ट होगी तो पहले उसकी स्पीड क्या थी, ज़ीरो, और अब वो स्पीड गेन कर रही है ना, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अगर वो रुक रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। बीच में वो सेम स्पीड से चलती है, ट्रेन जो है अगर बीच में हम डिस्कस करें तो बीच में सेम स्पीड से चलती है, लेकिन जब शुरू शुरू में उसे स्टार्ट होना होता है तब वो स्पीड बढ़ाती है और जब उसे रुकना होता है तो वो अपनी स्पीड कम करती है। ऐसा हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है ना। तो दो टाइप के मोशंस हो गए अपने, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लॉक क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ट्रैफिक में फंस गए, कभी बढ़ा रहे हो स्पीड कभी कम कर रहे हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। बर्ड्स भी क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी अपनी स्पीड बढ़ा लेती हैं कभी कम कर लेती हैं। अब देखो तीन लोग थे ये, अमर, अकबर एंड एंथनी, है ना। ये तीन लोग क्या कर रहे हैं, तीनों ने शुरू करा 5 बजे चलना, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल्स में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा ये हमने नोटिस कर लिया, ठीक है। और हमने क्या नोटिस करा कि ये जो अमर था इसने क्या करा, पहले 0 फिर 20 फिर 40, मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है।
क्या कर रहा है, ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर आधे घंटे में ये 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये कैसे चल रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। अकबर क्या कर रहा है, अकबर भी देखो हर आधे घंटे में 18 मीटर, नहीं शुरू शुरू की कहानी है, फिर इसका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ये तो भैया यूनिफॉर्म नहीं चल पा रहा है, कभी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है कभी कम कर रहा है। इस आधे घंटे में तो 18 चला है और इस आधे घंटे में सिर्फ इसने क्या करा है, 6 का डिस्टेंस कवर करा है, तो ये तो फिर अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एक और बंदा है एंथनी, एंथनी क्या कर रहा है, हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझ आता है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, वो फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 5 मीटर डिस्टेंस, है ना, ये सब हमारी फिज़िकल क्वांटिटी, 5 सेकेंड, 2 मीटर, ये सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिस्टेंस को तो हम मेजर करते हैं, 5 किलोमीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, तो ये हमारा डिस्टेंस है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम इसे मेजर करते हैं तो इसको फिर क्या चाहिए पड़ती है, इसको यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो सारी हमारी क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे कि टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, टाइम भी क्या हो गया, फिज़िकल क्वांटिटी हो गया। क्या लव एक फिज़िकल क्वांटिटी है, क्या हम लव को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो वो एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम दो में क्लासिफाई कर देंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर होता है इसके पास, जैसे कि 5 मीटर, मैंने 5 मीटर चला तो ये स्केलर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अच्छा, इनमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वेक्टर, है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे 5 मीटर की दूरी पर हूँ तो तुम कहोगे किस डायरेक्शन में, है ना। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जैसे टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, है ना। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जिसकी भी डायरेक्शन होती है फिर वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे हमें समझ में आएगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। जैसे कि फोर्स है, फोर्स की क्या कोई डायरेक्शन होती है, हाँ होती है। फोर्स की दो डायरेक्शंस होती हैं, या तो पुश करना या फिर पुल करना। पुल मतलब अपनी तरफ, पुश मतलब अपने अगेंस्ट, तो डायरेक्शन है ना, तो इसीलिए फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कैसे हम पहचानेंगे कि एक क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिस पर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो स्केलर है। मैं 2 किलो आलू लाई थी, फिर मैं 3 किलो आलू और ले आई, तो मेरे पास टोटल कितने किलो आलू हो गए, 5 किलो आलू, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने पहले 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब टोटल फोर्स कितना हो गया। अगर तुम कह रहे हो कि टोटल फोर्स 5 न्यूटन है तो ये गलत हो जाएगा, टोटल फोर्स 5 न्यूटन नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये जो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन लगाया है ये सेम डायरेक्शन में लगाया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, या किसी और एंगल पर लगाया है। अगर हम सेम डायरेक्शन में लगाते हैं 2 न्यूटन ऐसे और फिर 3 न्यूटन और ऐसे, तो टोटल हो जाएगा 5 न्यूटन, लेकिन ऑपोजिट में लगाते हो तो फिर इनको माइनस करना पड़ेगा। ज़रा सोचो, ये ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे धक्का देना है, और मैं इस पर कुछ फोर्स लगा रही थी 2 न्यूटन का, कोई और आया वो भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, अगर वो मेरी ही डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो मेरे से उल्टी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएगा तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो फोर्स क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि स्केलर्स के पास क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है।
एक बात है, स्केलर्स को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं. एल्जेब्रिकली ऐड मतलब बस नॉर्मली ऐड कर दो. वेक्टर्स को क्या होता है कि कभी कभी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी सब्ट्रैक करना पड़ता है, कभी कभी पाइथागोरस भी लगानी पड़ जाती है, है ना. मतलब इसमें क्या करना पड़ सकता है हमें, कभी कभी हम ऐड करते हैं, कभी कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी कभी पाइथागोरस भी लगानी पड़ती है. थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं. दो क्वांटिटीज हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है. इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, बस पकड़ के ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जबकि इसमें क्या लगाने पड़ते हैं, स्पेशल रूल्स लगाने पड़ते हैं कि कभी भैया ऐड करो, कभी सब्ट्रैक्ट करो. ये हमें एग्जांपल से ही समझ में आएगा. पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं और उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पहले मैं 3 मीटर आगे गई और फिर 4 मीटर और आगे गई, इस केस में मेरा डिस्टेंस क्या होगा. एक चीज़ होती है डिस्टेंस और एक चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अगर मैं कहूँ कि मैं 3 मीटर आगे गई और फिर 4 मीटर और आगे गई, तो टोटल मैंने कितनी दूरी कवर कर ली. टोटल मैंने दूरी कवर कर ली है 7 मीटर्स, 3 और 4 7. और टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो मेरा इनिशियल पॉइंट था और जो मेरा फाइनल पॉइंट है उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट नाम दे देते हैं. तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर ख़त्म. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी ये चीज़ है, यानी कि 7 मीटर ही है. लेकिन अगर मैं 3 मीटर आगे जाती और फिर 4 मीटर पीछे जाती, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस क्या होता. इस केस में मेरा जो डिस्टेंस होता ना वो क्या होता है, वो तो अभी भी 7 ही है. डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो तो अभी भी 7 है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने यहाँ से चलना शुरू करा था और मैं अब यहाँ पर हूँ, तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता. सबसे छोटा रास्ता क्या है, मैं ऐसे जाके ऐसे क्यों जाऊँ, मैं तो डायरेक्ट ऐसे चली जाऊँगी. तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो पता है कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 3 - 4 यानी -1. पहले 3 आगे गई फिर 4 पीछे गई, माइनस करना पड़ेगा. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गई हूँ तो माइनस करना पड़ेगा. देखो सबसे छोटा रास्ता ये तो 1 मीटर ही बचेगा ना. और ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे. नेगेटिव साइन ये बताता है कि अब हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं. जहाँ से हमने चलना शुरू करा था अब हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर मैं कहती कि भाई हम 3 मीटर ऐसे जा रहे हैं और 4 मीटर ऐसे जा रहे हैं, अभी डिस्टेंस कितना हो गया. डिस्टेंस तो अभी भी 7 मीटर ही है. डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसके और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है. ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम लगाएंगे पाइथागोरस. पाइथागोरस तो पता है h का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. 9 + 16 तो 25 हो गया, और 25 का रूट क्या होता है, 5. तो हमारा इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 5 मीटर. अब हम कुछ बातें और इससे नोटिस कर पा रहे हैं कि देखो डिस्टेंस स्केलर है जिसको हम बस ऐड करे जा रहे हैं, 3 - 4 - 7 - 3 - 4 - 7 - 3 - 4 - 7 बस ऐड कर दिया. लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे कभी तो हमें ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कभी पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ सकती है. एक बात हम और ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्टेंस स्केलर है, तो जो स्केलर होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, स्केलर वेक्टर से बड़ी होती है या फिर इक्वल. इक्वल कब होगी, जब डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे. लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो या तो फिर क्या होगा बताओ, तो हमेशा हमारा स्केलर बड़ा होगा, वेक्टर छोटा होगा.
तो ये थोड़ा सा हमें स्केलर वेक्टर के बारे में समझ में आ रहा है कि स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर ऐसे क्वांटिटीज़ होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। स्केलर्स को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल रूल्स लगते हैं। स्केलर्स नेगेटिव नहीं होते,